तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसे मैं जो है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और चैनल पे एक लिंक दे दूँगा, या फिर आप अगर मेरे फेसबुक आईडी पर होंगे या मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको बाकी बुक्स वगैरह में तो लिखा हुआ है, तो आप उसे फॉलो करके लिख लेना। अब देखो, इस वाले चैप्टर में जो है थोड़ा सा जो है रिलेशन जो है वो 9th क्लास से भी है इस चैप्टर में। जैसे आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, आपको एलिमेंट्स का सिंबल पता होना चाहिए, तो उसी की मदद से जो है आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से कर पाओगे। बस कुछ चीज़ें हैं जो इस वाले चैप्टर में नया है, बाकी तो सब चीज़ पुराना है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, देखो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, देखो ये वाला जो चैप्टर है इसमें दो पार्ट आपको दिए गए हैं। पहले तो ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, दूसरा ये इक्वेशंस क्या होती है। देखो, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं यहाँ पर इक्वेशंस के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी पेपर को जलाते हो, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद मान लो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेटल्स हो, जैसे एक मेटल का नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का आप रिबन, मैग्नीशियम का रिबन अगर आप उसे जलाते हो, तो क्या हुआ कि वो डेजलिंग फ्लेम यानी बहुत ही चमचमाती हुई रोशनी आपको जो है उससे जब वो जल रहा होगा तब निकलेगा, और साथ में आपको व्हाइट कलर का जो है वो पाउडर मिल जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर में जो है हम डिस्कस करने वाले डिटेल में, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे हम चैप्टर्स को प्रोसीड आगे करते जाएंगे, आप साथ के साथ यहाँ पर अपने पास जो कॉपी किताब होगा उसको रखना सामने और फिर पढ़ना, ठीक है, और इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाना, या अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है तो उसमें निशान लगाना, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अब देखो, इसमें जैसे मान लो कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, देखो दो पार्ट होते हैं केमिकल इक्वेशन में। जैसे एक होता है, मैं देखो बॉक्सेस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ इस साइड में। देखो, अगर आप इसको चाहो तो ड्रॉ भी कर लेना, कोई जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, बट मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो, ये जो एरो है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर भी और आगे भी। हम इस साइड क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इस साइड लिखते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो किसी के, जैसे सपोज करो रिएक्टेंट्स में मैं आपको एग्जाम, जैसे मान लो कि कोल है, कोयला, ठीक है। अब कोल को मैं जला रहा हूं, तो जब कोयला जलेगा तो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके प्रेजेंस में ये जलेगा, और यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट, ये सब आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कोल और ऑक्सीजन ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ऐसी चीजें हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं बिल्कुल बहुत ही रफ रफ चीजें आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट्स लिखोगे, जैसे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं दी सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। दूसरा कि अब ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है,
देखो प्रोडक्ट वो होता है, ये जो रिएक्टेंट्स मिल गए हैं है ना, ये जो कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद क्या होगा, एक कुछ नया चीज बनेगा, कुछ न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो यानी द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। देखो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट्स। देखो कोल को जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी इन चीजों को हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये जो एरो है इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन यहाँ हो गया, अब आगे की तरफ क्या बनेगा, ठीक है, प्रोसीड कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और हीट, आप सभी ने ये प्रोसेस अपने डेली लाइफ में देखा होगा। तो आगे की तरफ चलते हैं, जैसे मैं आपसे मैग्नीशियम की बात कर रहा था, तो मैग्नीशियम को ही लेते हैं, ये आपके बुक में भी है मैग्नीशियम। देखो अब फिर से मैंने आपको बोला कि सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है ना वही मैं लिख दूंगा, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ हम ऑक्सीजन इसको जला रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बच्चों क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है एक मेटल का नाम है, ठीक है। तो बट क्या है ना, इसको बहुत पतला रखना पड़ता है तभी इस तरीके से जलता है। जैसे मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2, और यहाँ क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पर सिंबल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डाउट हो, बट जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ता जाएगा आपके जो डाउट्स मन में जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा, अभी ये सब चीजें जो है वो हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। ये जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे जाते जाओगे वैसे वैसे जो है आपको दिखता जाए। जैसे देखो एनसीईआरटी बुक अगर आपके हाथ में है तो आप उसको ओपन करो, देखो उसमें फर्स्ट पेज में ही आपको मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, जब ये पूरा बर्न होगा, ये बर्निंग होगी, तो यहाँ पर डेजलिंग फ्लेम के साथ ही जलता है, ठीक है। यानी डेजलिंग फ्लेम उसको बोलते हैं जिस जब ये जलता है तो बहुत, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना रोशनी से आती बहुत तेज, वैसे ही इसमें से चमचमाती हुई रोशनी आती है, ठीक है। इसमें और क्या होता है कि इसे सपोज करो ये जो पेन है मेरे पास, स्केच पेन, ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो क्या करूंगा कि इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मुझे साफ करना पड़ेगा, ऐसे करके पूरा साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको बर्न करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो इसके ऊपर इम्प्योरिटीज है, क्योंकि ये मेटल है, ये जो है एयर में अगर रहता है तो ये क्या करेगा, एक इम्प्योरिटी इसके ऊपर जो है, इम्प्योरिटी का मतलब एक लेयर चढ़ जाएगी। जब आप इसको जलाओगे, देखो यहाँ जलाना यानी कभी भी आप देखना बुक में, अगर आपको ऐसे साइन मिलेगा, इसको इसको बोलते हैं हीट, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है, जब हम इसको जलाते हैं। तो जब इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा, और जलने के बाद जो है आपको हीट देगा और डेजलिंग फ्लेम, जो जैसे बुक में लिखा हुआ है, और एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है आपके स्कूल में कराया जाए, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जिसको जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद और भी है कि कुछ डेली लाइफ के भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिल्क, मिल्क है, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो वो जम जाता है, कर्ड बन जाता है, ठीक है। खाना जो है जब हम बनाते हैं तो कुकिंग यानी उसका जो टेस्ट, उसका स्मेल, ये सब चेंज होने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। ग्रेप्स को फर्मेंट करके जो है हम अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स को जो है, ये बेवरेजेस को बनाते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उसमें से भी हमें हीट, लाइट,
इस तरह की जो एनर्जीज हमें मिलती हैं। फ्रूट्स जो होते हैं आपने देखा होगा, अगर आप कोई कुछ फ्रूट्स को बाई करके घर ले आओ, धीरे 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 वो पकने लगते हैं, या अगर वो पेड़ पे होते हैं तो मैच्योरिटी होने के बाद वो पकने लगते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सब क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स है जनरली केमिकल रिएक्शंस के। अभी तक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमने रिएक्शंस की बात की है, केमिकल रिएक्शंस की बात की, हमने इक्वेशंस की अभी बात नहीं की, इसलिए मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शंस पहले पढ़ेंगे, इक्वेशंस की बाद में पढ़ी जाएगी। अब देखो इसमें कुछ जैसे चीजें होती हैं, बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ ऐसे हमारे पास साइन होते हैं जिसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन है और हम इसको कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझे। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस। मान लो कि आप कोई चीज जला रहे हो, ठीक है, तो उसमें से अगर गैस बाहर आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। दूसरा देखो, ये जो चीजें मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं तक है, ये जो शुरू के 10th क्लास में जो 4 चैप्टर हैं ये सब एक दूसरे से थोड़ा 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 रिलेट करते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पढ़ लिया और अगले चैप्टर में है नहीं, पूरा इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से जो है इनको पढ़ो। सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का ना बनना। देखो बच्चों प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये एक कोई बीकर है ना, और इस बीकर में मेरे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, है ना, मैंने क्या किया उनका केमिकल रिएक्शन करवाया, तो जैसे ये कुछ सब्सटेंसेस था और इसमें यहाँ क्या हुआ कि कुछ ये लास्ट में जैसे होता नहीं कि चौक को अगर आप पानी में डालो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ रफली, अगर चौक को आप पानी में डालो तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जब उनको करवाते हैं तो क्या होता है कि उसमें से कुछ सेपरेट चीजें बच जाती हैं, इनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, जो नीचे जो है बॉटम में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो इससे भी पहचान होती है कि जो है ये केमिकल रिएक्शन है। एक सेकंड, जरा स्केच पेंस को ओपन कर लूं, ठीक है। इसके बाद तीसरा चेंज इन कलर, कलर में बदलाव होगा, आप सबने देखा भी होगा कि कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें कलर का चेंज हो जाता है। जैसे आप क्या करो कि आप अपने घर में भी कर सकते हो, चम्मच है ना, चम्मच स्टील का होता है, आप गैस को ओपन करो, जलाओ और उसके ऊपर इस चम्मच को रख दो, या जो नाइफ होता है उसको रखोगे तो क्या होगा, धीरे 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 रेड हो जाएगा, फिर और भी उसका आगे जैसे जितना ज्यादा गर्म होता जाएगा उतना ज्यादा उसका जो है कलर चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर का चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर, और भी है चेंज इन स्टेट, स्टेट का, स्टेट का मतलब होता है उसका रूप बदल जाना, ठीक है, स्टेट का मतलब होता है उसका रूप बदल जाना। देखो मैं यहाँ लिख तो रहा हूं इंग्लिश मीडियम में, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये हिंदी मीडियम में भी मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आप अपनी बुक्स को सामने रखो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो कई बच्चे मेरे को मैसेज भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, इसलिए मैं हर किसी के मैसेज का पूरा पूरा रिप्लाई नहीं, मैं देखता हूँ कि अगर एक टॉपिक पे प्रॉपर कॉमेंट्स आते हैं तो अगर वो कॉमन टॉपिक्स होते हैं तो मैं उसको जो है डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है तो मैं उसको बता दूँ, क्योंकि ये जो बोर्ड के पेपर गए हैं
इसमें बहुत सारे बच्चों ने मेरे को जो है कॉल भी और व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी किया है, ठीक है। लेकिन बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कई बार मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो जो है आप लोग थोड़ा सा जो है संयम भी रखा करो कि अब एकदम से आप लोग मैसेज मैसेज करते रहते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं उसको सीन नहीं कर पाता, क्योंकि मैं थोड़ा क्लासेस वगैरह जो है उसमें बिजी रह जाता हूँ इसीलिए। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जो है कोशिश करता हूँ कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसमें है, ये तो खैर हो गया, इतना टॉपिक था। एक एक टॉपिक मान लो कि आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। देखो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे पेपर में नहीं पूछा था लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये होता है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, यानी केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि ये एक मेथड होता है बच्चों, कि हम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को आपको लिख के दिखा दें। जैसे मैं बोलता हूँ बर्निंग ऑफ कोल, जैसे एग्जाम्पल मैं खुद ही आपको देता हूँ, अभी मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोयले का दहन। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन को रासायनिक समीकरण, हिंदी में इसको बोला जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि एक तरीका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आपको जो है सिंबल्स में यानी चिन्ह में जो है उसको और सूत्रों के हिसाब से लिख देना वहां पे, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। जैसे कोयले का दहन, अब देखो मैं इसको बर्निंग ऑफ कोल यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। देखो कोल, कोयले को सी कार्बन, कोयले के अंदर कार्बन होता है बहुत ज्यादा, प्लस क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, बर्निंग होगा यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। बच्चों देखो आप ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल के रूप में ऑक्सीजन हमेशा हवा में या वायु में पाया जाता है यानी एयर में प्रेजेंट होता है। ये साइन लगाया केमिकल इक्वेशन का और कार्बन डाई ऑक्साइड आ गया, ठीक है। तो और प्लस क्या आता है, हीट, है ना। तो ये सब क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है आपके कि आप केमिकल इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको रिएक्टेंट्स और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब देखो इसमें और भी एग्जाम्पल्स में ऐड कर सकता हूँ, जैसे थोड़े से ये डिफिकल्ट पड़ेंगे आप लोगों के लिए। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सपोज करो जिंक, अभी तो शायद आपको सिंबल भी ना याद हो। जिंक को देखो, जिंक एक मेटल होता है, इसमें मैं सल्फ्रिक एसिड को ऐड करता हूँ, H2SO4 सल्फ्रिक अम्ल। ये जिंक एक मेटल है, ये एक एसिड है, क्या ये मेटल है, ठीक है, और ये क्या एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस,
तो देखो ये हुआ ना केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में दो चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। मैं बताता हूं कि एक होता है, ये तो केमिकल इक्वेशन हो गए, इसी को थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जैसे इसमें एक होता है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, तीसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द समीकरण, कंकाली समीकरण, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हिंदी में इसका, हिंदी में इसको बोलते हैं। इसको वर्ड यानी शब्द समीकरण, ठीक है, समीकरण, इसको कंकाली है ना, और इसको संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण इनको बोला जाता है। अब देखो वर्ड इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, वर्ड इक्वेशन यानी वो केमिकल इक्वेशन जिनको हम वर्ड्स के फॉर्म में लिख दें। मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपके लिए सपोज करो मैं लिख देता हूं, अभी मैंने पीछे लिखा था, ध्यान नहीं आ रहा था, लिख देता हूं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप देखो ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसको मैंने वर्ड में लिख दिया, ये है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था स्केलेटल स्केलेटन इक्वेशन यानी कंकाली समीकरण, ये क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जो है हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसी इक्वेशन को मैं लेता हूं, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। देखो जिंक, ये अब देखो मैंने बोला ये अनबैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है, ये जो वर्ड है ना अनबैलेंस्ड, यही बहुत काम है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सीखना है और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर, इवन 10th 11th 12th कहीं पर भी जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखोगे मेक श्योर कि वो बैलेंस्ड हो, नहीं तो वो इक्वेशन काट के जीरो दे दिए, उसका इक्वेशन का मतलब जब आप कहीं भी लिखोगे एग्जाम्पल के रूप में तो उसको काट के आपको जीरो नंबर दे देंगे, क्योंकि आपने ठीक से नहीं लिखा, आपने बैलेंस नहीं किया। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कंसिडर एग्जामिनर नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है, वो ये उम्मीद करेगा आपसे कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। तो देखो आपको मैं यहाँ पे काउंट करके दिखाता हूं, देखो इस साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स, और इस साइड को हम बोलते हैं सॉरी ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS में हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, RHS में हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, बट हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का थ्योरी होता है कि ये दोनों ही साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स यहां पर हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स भी यहां पर भी होने चाहिए। देखो
जिंक यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी जिंक एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है, सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, यहाँ पर चार। अभी तक दिखने में ये केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस दिखे क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैंने उसको लिख दिया था रैंडमली, एक अनबैलेंस वाला लिख देता हूँ, तो बैलेंस था। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, देखो इसको यहां पर देखो, हाइड्रोजन दो है, यहां पर दो है, यहां ऑक्सीजन दो है और यहां एक है, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड यूपी। ये कैसा था, बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपने देखा इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है उतने नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। इधर नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, ये अनबैलेंस्ड। अब देखो, अब मैं आपको, ये तो खैर हो गया, बहुत बेसिक बात था ये, अब टॉपिक ही मैं आपको देता हूं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही सीखना है, रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। देखो दो मेथड बताऊंगा, एक हिटन ट्रायल है ना, एक हिटन ट्रायल। तो हिटन ट्रायल तो छोटे क्वेश्चन लगा सकते हो या जब सीख जाओगे तब लगा लेना, लेकिन अगर आपके पास कुछ बड़े इक्वेशन हो तो आप उनको हिटन ट्रायल से बैलेंस नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा बार बार, ठीक है। तो देखो बहुत बेसिक एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मेथड भी सिखा दूंगा। जैसे पहला मैं वही मैंने जो लिया था हाइड्रोजन वाला और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक साथ मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं, दिखने में केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने के लिए आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है और यहाँ हाइड्रोजन दो है, तो आप इसमें हमेशा मल्टीप्लाई ही करोगे, ठीक है। तो अगर आपने यहां पर दो लगा दिया, अगर आपने यहां पर दो लगा दिया तो आप देखो कि ये जो टू है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां पर चार तो हाइड्रोजन हो जा रहे हैं और दो ऑक्सीजन हो जा रहे हैं इन दोनों के एटम्स अगर, लेकिन जब आप इस साइड आते हो तो आपको ऑक्सीजन के दो एटम्स तो बैलेंस कर दिया आपने यहाँ दो लगा के, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ दो रह गया, यहाँ चार हो गया, तो आप यहाँ पे दो लगा दोगे। तो देखो अब मल्टीप्लाई को चार, यानी इधर भी चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पे चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो मैं मेथड बताता हूँ, एक क्वेश्चन ले लूं मैं बुक से, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं। ये मेथड आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के दे दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो Fe का मतलब होता है फेरस, ये आयरन का सिंबल होता है, और ऑक्सीजन, छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ अभी मैं, Fe2O3। देखो इसके लिए यहाँ भी आप हिडन ट्रायल लगा सकते हो और लग भी जाएगा, जैसे आप इधर वाला मानोगे एल, इधर लोगे LHS, इसको करोगे RHS, एक ऐसे टेबल बनाओगे छोटा सा, यहाँ सिंबल, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स, यहाँ राइट हैंड साइड के एटम्स, है ना। अब यहाँ पर आप देख लो एटम कौन कौन से हैं, आयरन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, एटम्स ऐसे लिखने, मॉलिक्यूल मत लिख देना यहाँ पे, यानी अणुओं को लिखा जाता है, सॉरी परमाणुओं को। यहाँ पे देखो आयरन का एक एटम है, यहाँ राइट हैंड साइड में आयरन के दो एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के
दो एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के तीन एटम है। आप खुद देखो कि ये अनबैलेंस दिख रहा है, आमने सामने दोनों बराबर होने चाहिए, जितना यहाँ एटम उतना यहाँ एटम, जितना यहाँ पर एटम उतना यहाँ एटम। अब देखो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि कहीं पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा, पहले टेबल बना लेना, कहीं पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा आप उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके पास एटम यानी परमाणु हो उनको बैलेंस कर, संतुलित करने की कोशिश करना। तो देखो आयरन है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड में दो एटम है आयरन के और लेफ्ट हैंड साइड में एक है, आप यहाँ अगर टू से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये भी टू हो गया, दोनों बराबर हो गए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन ही रहा, आप यहाँ पे टू लगा दो, लगा दिया, यहाँ आयरन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब बारी आई ऑक्सीजन की, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है तीन, यहाँ पर कितना है दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप तीन लगा देते हो, जैसे यहाँ पर आप तीन लगा देते हो इस साइड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा छः। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी करना पड़ सकता है क्योंकि आपको बैलेंस करना है, अगर आप यहाँ पे लगा देते हो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तीन, तो ये हो जाएगा छः, यहाँ लगा दो दो तो ये भी हो जाएगा छः। अब देखो टू थ्री या सिक्स, आपने यहाँ पे थ्री लगाया, यहाँ पे आपने टू से, तो यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे, है ना, जो आप यहाँ करोगे उसको यहाँ पुट करके देना। देखो थ्री टू या सिक्स और टू थ्री या सिक्स, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई ऑक्सीजन को बैलेंस करने में, हमारा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो यहाँ, सॉरी हमारा जो आयरन है वो अनबैलेंस हो गया, पहले ये दो था यहाँ दो बैलेंस करने लगा, अब ये चार हो गया। तो आप इसको हटा के, क्योंकि जब आप यहाँ करोगे तो यहाँ आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये होगा चार। अब आप क्या करोगे, इसको हटा दो और यहाँ लगा दो फोर, ये सब आप कर सकते हैं, हटा के यहाँ फोर लगा दो, देखो अब बैलेंस है चारों तरफ, चार आयरन है यहाँ पर भी, छः ऑक्सीजन है, छः ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर, ये बैलेंस्ड हो गया। तो आप प्रॉपर एक बैलेंस मैं लिख देता हूँ, फोर एफ ई प्लस थ्री ओ टू, उसके बाद टू एफ ई टू प्लस ओ थ्री, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, और अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे इस बार। क्वेश्चन है कि Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है प्लस, देखो ये आपको ना एलिमेंट्स के नाम प्लस कंपाउंड्स के नाम दोनों ही पता होने चाहिए, MgCl2 प्लस H2O, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला गया तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बना और वाटर, है ना। अब देखो मुझे इसको बैलेंस करना है, मेरे को बोला गया इसको आप इसको बैलेंस करिए, तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि आप वैसे ही टेबल क्रिएट कर लो, यहाँ पर सिंबल, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स और यहाँ राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स, यानी जो उनके एटम्स हैं नंबर ऑफ एटम्स वो रखने हैं। अब आप नंबर ऑफ एटम्स लिखते जाओ सिंबल में, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये है हमारे पास, उनको बना दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि मैग्नीशियम के कितने एटम है, देखो ये ध्यान रखना जो एटम यहां पर होंगे वही एटम यहां पर भी होंगे, एटम्स में ऐसा नहीं कि आपने मैग्नीशियम डाला और आपको कार्बन मिल गया उधर, ऐसा नहीं होगा, जो आप यहाँ दोगे रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में उसी में से मिला जुला कर एटम्स आएंगे, हाँ प्रोडक्ट नया बनेगा, अभी हाइड्रोक्साइड था और क्लोराइड बन गया मैग्नीशियम का, ये चेंज आएंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम किसके हमारे पास एटम्स कितने हैं, मैग्नीशियम का एक, है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने एटम है,
एक। अगर आप ऑक्सीजन काउंट करोगे देखो ये ब्रैकेट लगा ना दो, यहाँ दो ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन है, तो दो ऑक्सीजन आगे कुछ नहीं है तो दो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है एक, बस यहीं पे पड़ा हुआ है ठीक है। हाइड्रोजन की देखो बात करो दो, अब प्लस एक यहाँ पर है तीन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं दो, क्लोरीन यहाँ देखो सिर्फ ये रहा एक, यहाँ पर क्लोरीन कितना है दो। मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको बैलेंस करोगे ठीक है तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दोगे, इसको बाद में बैलेंस करना, सबसे पहले आपको रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना है। देखो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वन इधर भी है वन इधर भी है, इसको देखा करो टेबल को जो आपने बनाया है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, क्लोरीन भी अनबैलेंस है। देखो क्लोरीन का लेफ्ट हैंड साइड में दो एलिमेंट है, राइट साइड में राइट में दो है, लेफ्ट में एक है, तो यहाँ पर आप दो से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा दो। हमने क्लोरीन में लेफ्ट हैंड साइड में दो से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन ये रहा, यहाँ आप दो लिखोगे ऐसे, ध्यान रखना सामने लिखा जाता है यहाँ मत नहीं लिखना है हमेशा। जब आपने यहाँ टू लगाया तो हाइड्रोजन के अंदर भी चेंज आएगा क्योंकि क्लोरीन तो दो बना दिया हमने है ना, तो हाइड्रोजन पहले कितना था एक था यहाँ पर, अभी दो और ये दो कितना हो गया चार, तो इसको आपको हटा के यहाँ चार लिखना पड़ेगा, जो चेंजेस आएंगे आपको करना पड़ेगा। तो देखो आपको यहाँ ये बैलेंस मिल गया, अब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है दो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में दो है, RHS में एक है, तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया टू है ना। अब देखो फिर से यहाँ पे चेंजेस आ गया आपका ऑक्सीजन में, RHS में दो से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है ना, यहाँ दो लगा दो तो देखो दो हो गया, हाइड्रोजन बट चार हो गया, तो यहाँ दो से आप मल्टीप्लाई कर दो देखो, क्योंकि RHS में ही तो दो से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ यहाँ चार यहाँ भी चार, आप देख लो काउंट करके देख सकते हो, मैग्नीशियम एक है यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन दो है ना, देखो ऑक्सीजन दो यहाँ पर, यहाँ भी दो हो गया ठीक है। और बात करोगे हाइड्रोजन की चार, दो प्लस दो चार और दो दूनी चार, टू टू या फोर यहाँ हो गया, क्लोरीन दो है यहाँ पे, यहाँ पर भी दो है, तो ये बैलेंस्ड, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यहाँ लिख लो, ये सारा काम करके ना लिख लिया करो एक बार यहाँ पे प्रॉपर। तो मैग्नीशियम यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ज्यादातर यही काम आएगा आपके, एक नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस को करो, प्रैक्टिस करो, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बैलेंस दिए होंगे, आपको बस चेक करने के लिए आपको बताया गया। दूसरा आपको वर्ड इक्वेशन दे दिया जाएगा, आप बोलेंगे कि आप इसे केमिकल इक्वेशन में लिख कर दिखाओ ठीक है। वर्ड इक्वेशन जैसे ये लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बोलेगा आप इसको जो है इक्वेशन में लिख के दिखाओ, वर्ड है इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है ठीक है। तो यहां पर ये टॉपिक बैलेंस वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ठीक है। दो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला टाइप मैं लिख देता हूँ, पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या काम होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना है ना, हमारे पास जितने भी रासायनिक समीकरण होते हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया हिंदी में, हिंदी में, इसलिए मैंने आपको बोला कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज एनसीईआरटी बुक लेकर बैठो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे भी दिमाग से निकल जाते हैं इनका नाम, क्योंकि जनरली जो है हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम के कम ही बच्चे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो
रनिंग में नहीं रह पाता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी बुक को लेकर बैठो, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको तो लेकर रखना ही है बुक, क्योंकि बुक जब आपके सामने रहेगा तो आपको उसमें और भी एग्जाम्पल्स होंगे, वो भी आप देख सकते हो। वीडियो देखो, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो अपने नोटबुक जो है, क्योंकि ये काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया रिएक्शंस को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि दोज रिएक्शंस इन विच, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप लिखो भूल जाओगे, लिख लेना कॉपी में, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं और एक साथ वो मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, और भी एग्जांपल्स हैं। मान लो कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, यानी बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, देखो ये कुछ ना जी एस ए क्यू एल, इसका मतलब होता है जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड यानी द्रव, एस फॉर सॉलिड यानी ठोस, एक्वस का मतलब होता है जिसमें पानी मिला हुआ होता है, और एल फॉर लिक्विड यानी द्रव हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन भी एक गैस है, ये कंबाइन हो जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बैलेंस भी किया था, जो कि दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। देखो हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से, कंबाइन हो रहा ना, जुड़ रहा, संयोजित हो रहा है और प्रोडक्ट बन गया, यानी जो आपके पास यहाँ पे मिला है वो पानी है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। देखो दो गैसेस कंबाइन हुए, लिक्विड बन गया, स्टेट भी चेंज हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन है। और मैंने आपको लिया था मैग्नीशियम, ये पहला एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। मैग्नीशियम है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन जो डेजलिंग फ्लेम के साथ जला था, बैलेंस कर देंगे इसको, 2MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। नमक वगैरह जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कैसे बन जाता है, जैसे सोडियम है ना, सोडियम के साथ जब क्लोरीन गैस कंबाइन होता है ना, तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि एक सॉलिड है। तो आप इसको बैलेंस कर दो, NaCl यहाँ दो लगाना पड़ेगा और यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा, ये हो गया बैलेंस। तो ये क्या हो गया, ये कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं जो कि क्लास टेंथ में को मिल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा सही कर दूं। अब दूसरे केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, वियोजन हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन जो है वो भी मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन है दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर
सब्सटेंसेस, ठीक है, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वो रिएक्शंस जिसमें कोई कंपाउंड जो है वो टूट कर दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस को बना दे, यानी बहुत ही सिंपल तरीके के चीजों को अगर वो बना देता है या हमें मिल जाती है तो उनको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, देखो अब इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर हिंदी में बोलते हैं। अब हिंदी में इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट ही है, तो जब इसको आप हीट करोगे, देखो डेल्टा का साइन लगा रहा हूं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बनेगा कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO प्लस CO, ठीक है। और ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस फॉर्म में, तो ये पहला एग्जांपल है। देखो स्प्लिट हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर को तोड़ा गया तो हमें कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इनको पूछा जाता है पेपर में। एक और मैं लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ही मैं बस लिख रहा हूँ। दूसरा है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। अब देखो इनको याद रखना, इनके कलर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, मैं वो लिख दूंगा। तो जब ये स्प्लिट होता है तो बोलते हैं Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम मैं अभी लिख देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। देखो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, ग्रीन कलर में दिखता है। ये बनता है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये दिख जाएगा आपको ब्राउन कलर में। यह है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और ये ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी सल्फर ही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। एक और मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताता हूँ, पेपर में पूछा जाता है ये वाला, ये सब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, पीबी, पीबी का मतलब होता है लेड और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, तो उसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस होता है। इसको भी हीट करना है, ठीक है, तो इस वाले ना रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ, बैलेंस कर लेंगे, ये बनेगा लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से, मैं तो बैलेंस कर देता हूँ, देख हिट एंड ट्रायल लगा देता हूँ, यहाँ पे लेड है, लेड में दो लगा दो, ठीक है, और ये चार नाइट्रोजन, ये बैलेंस हो गया, आप लोग बैलेंस कर लेना, इसको देख लेना, मैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखूंगा, जो भी लिखूंगा, ठीक है। तो ये लेड नाइट्रेट कहलाएगा, और ये होगा कलरलेस, ठीक है। दूसरा, इसको बोलेंगे लेड मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जिसका कलर होगा येलो, और ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। नाम बहुत जरूरी है याद करना, और ये ऑक्सीजन गैस, ये तो जानते हो आप, ठीक है, ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेड नाइट्रेट था, तीन दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा टूट रहा है ना, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शन है जिसको आप हीट करके तोड़ सकते हो कुछ कंपाउंड्स को, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं
जिनको आप इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ सकते हो, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसको सनलाइट में आप रख के तोड़ सकते हो। तो जो सनलाइट वाला है ये हमसे पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इनको कई बार लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं, इसी का सब पार्ट है, है ना। इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो लाइट में होती है। देखिएगा नहीं कलर, ये लाइट यानी जो प्रकाश, प्रकाश के प्रेजेंस में जो होता है। इसमें दो रिएक्शंस हैं, मैं पहला लिख देता हूँ। एक होता है सिल्वर क्लोराइड का, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो पहले सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ये आपको आपके NCERT बुक में विद एक्सपेरिमेंटल वे में समझाया गया है। प्लीज आप NCERT बुक लेके बैठो, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर है जो कि ग्रे कलर में होता है, ये जो इसका कलर वाइट होता है, ठीक है, कलर है इसका। दूसरा ये सिल्वर मेटल हो गया अब, ठीक है, जिसका कलर अब आपको ग्रे नजर आएगा, और ये क्लोरीन गैस है। तो लाइट रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में ये होता है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ये एक वॉच ग्लास है, ऐसे NCERT बुक में बना हुआ है। इसमें क्या है कि कुछ सिल्वर क्लोराइड ऐसे रखा हुआ है, जैसे ही क्या सनलाइट जो है, अब इसके ऊपर सनलाइट जो है फॉल होगा, ठीक है, तो ये टूट जाएगा, है ना। और जब ये टूट जाएगा तो जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने, इस तरह से NCERT बुक में आपको समझाया गया। दूसरा रिएक्शन है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का, 2AgBr, इसको भी लाइट के प्रेजेंस में रखा गया तो ये स्प्लिट हो गया सिल्वर और ब्रोमाइड में, ठीक है, ये सिल्वर है, ये ब्रोमाइड है। तो ये सेम ऐसे ही होता है, और इस रिएक्शंस का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट BNW की एंड है, ब्लैक एंड वाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं श्याम श्वेत, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो पहले बनाए जाते थे ना, उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस खत्म, आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन क्या करूँ, बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। मेरे और भी वीडियोस हैं YouTube पे, लेकिन थोड़े मैंने उनको रैंडमली ही बनाया था जैसे जैसे मेरे पास डिमांडेड आई थी, लेकिन अब मैं जो है सीरीज वाइज वीडियोस डाल दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आए। वैसे उसमें भी कई चैप्टर्स के ऐसे वीडियोस हैं जो सीरीज वाइज मैंने आपको दिया हुआ है। आप जैसे लाइट चैप्टर हो गया, मैग्नेटिज्म का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी दे रखा है मैंने, लेकिन अब न्यूमेरिकल के साथ साथ और ऐसे मैं वीडियोस बनाता ही रहूँगा, क्योंकि जो है कई बार क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ पाता कई जगह, बहुत ऐसे नहीं है यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ हैं, लेकिन कई जगह समझ में नहीं आता, कई जगह सिर्फ लोगों ने इंग्लिश में ही बताया हुआ है। बट आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी में भी मिलेगा। आपको अगर फिर भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लाइक करो मत करो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर इस वीडियो को 50 बच्चे भी देखते हैं, 100 बच्चे भी देखते हैं, तो भी
काफी उन लोगों को कम से कम इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स the place of another element in a compound। देखो विस्थापन का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील हो या ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है कि किसी कंपाउंड में लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी जो कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनको वो भगा देता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, एक एग्जांपल लेता हूँ। ये बुक में एनसीईआरटी बुक में आयरन से और कॉपर सल्फेट से बताया गया आपको, मैं आपको यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 को बोलते हैं, एक्वस है यानी इसमें पानी मिला हुआ है। देखो इस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का होता है। और जब आप इसमें जिंक एक मेटल है, जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो होगा क्या, देखो जो ये कॉपर होता है ये तो सेम कलर हो जा रहा है, कहाँ गया रेड, जो ये कॉपर होता है ये एक मेटल है, ठीक है। ये कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, तो जिंक ना इसको भगा देगा यहाँ से इस कंपाउंड में से, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बना के देखा था, ये टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास सॉल्यूशन है कॉपर, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, ठीक है कॉपर सल्फेट है। अब मैंने क्या किया, इसमें जिंक डाला, जिंक को इसमें पुट कर दिया। जैसे ही इसमें मैं जिंक पुट करूँगा यहाँ पर क्या होगा, जिंक का तो सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर, यानी होगा क्या, सॉल्यूशन में कैसे देख के पता चलेगा, ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन यानी रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई भी कलर नहीं बचेगा। ऐसे ही और भी एक एग्जांपल देता हूं दूसरा, सेम ऐसे ही, बट इस समय कॉपर सल्फेट है इसमें जिंक ना डालकर मैं क्या करता हूँ, आयरन को डालता हूँ, ठीक है। अभी भी ये ब्लू कलर है, जैसे ही मैं इसके अंदर आयरन डालूंगा, अगेन आयरन जो है आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा, आयरन का सल्फेट और कॉपर। तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होगा, ये आयरन का सल्फेट बना और ये कलर जो होता है वो हो जाता है ग्रीनिश कलर आता है। ये सॉल्यूशन को लिखने का ना शॉर्ट फॉर्म है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ। तो ये ग्रीनिश कलर आ गया और कॉपर बाहर आ गया, यानी मान लो कि मेरे पास जो है नीड है कॉपर की, मुझे नीड है कॉपर की, कॉपर चाहिए मेरे को, तो मैंने क्या किया, कॉपर सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने आयरन डाला कॉपर बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका है, ये एक जो है मेथड है जिससे हम कॉपर को निकाल सकते हैं। अगर आप स्कूल में जाओगे तो आपको लैब में ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। अब बात करते हैं चौथे केमिकल रिएक्शन की, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस चौथा है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, पहले तो डेफिनेशन लिख दूं, दोज रिएक्शंस इन विच
टू कंपाउंड्स, react by an exchange of ions to form two new compounds. ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, जो आयन्स होंगे उनको एक्सचेंज, वो आपस में एक्सचेंज होगी। हमारे पास दो कंपाउंड्स है, पिछली बार हमारे पास एक एलिमेंट और कंपाउंड था, इस समय हमारे पास क्या है कि दोनों ही हमारे पास कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो जो कम जो है कमजोर होगा आयन, और जो रिएक्टिव ज्यादा होगा उससे, वो आपस में क्या करेंगे जो है अदला बदली कर लेंगे वो। जैसे एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, AgNO3, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वो, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में दोनों लेना है, ये ध्यान रखना, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, एक्वस होना चाहिए, दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो सोडियम और सिल्वर, इसमें क्या होता है कि सोडियम सिल्वर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज है, थर्ड चैप्टर में है, उसमें क्या है कि आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें देखना कि सोडियम जो है ना वो काफ़ी टॉप पे है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। सॉलिड फॉर्म में आ गया सिल्वर क्लोराइड, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, और सोडियम का नाइट्रेट मिल जाएगा। अब देखो प्रेसिपिटेट की मैं उस समय बात कर रहा था, तो यही सिल्वर क्लोराइड का ये PPT बन गया, हिंदी में इंग्लिश ये शॉर्ट फॉर्म PPT, प्रेसिपिटेट, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा पहला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल, फिर इसको टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। बेरियम क्लोराइड, अगेन एक्वस, सोडियम सल्फेट, अगेन एक्वस, बन गया बेरियम का सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, यानी PPT ही बनेगा, और 2NaCl। मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो अगेन ये प्रेसिपिटेट बना, यहाँ पे क्या हुआ सोडियम बेरियम, यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम बेरियम से रिएक्टिव है, ये इसको भगा देगा, यहाँ भी ऐसे हुआ, ये आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, और एक्सचेंज होने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रेसिपिटेट। तो हमने पढ़ा था ना प्रेसिपिटेशन, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, प्रेसिपिटेट उनको कहते हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि जो घुल ना पाए, इनसॉल्युबल हो, तो मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, मैं लिख देता हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एनी रिएक्शन इन विच एन इन सॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड that separates from the solution is called, बाकी आप जानते हैं, लिख लेना precipitation reaction। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, precipitation reaction। तो यहां पर बच्चों ये चीज़ें समाप्त हो गई। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि काम की हैं, फिर पांचवा बताऊँगा, पांचवा रिएक्शन। इसमें दो टर्म, दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है
एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो इसको हिंदी बोलते हैं ऊष्मा छेपी, इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जब भी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, अभी कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, हीट इज रिक्वायर्ड, यानी इस वो केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर जा रहा हो, निकल रहा हो, जैसे कोयले को जलाते हैं तो हीट निकलता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमारा बॉडी गर्म रहता है, तो यानी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब आप खाना बनाते हो तो आपको हीट देने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक, यानी ऊष्मा शोषी, यानी शोष, यानी वो यूज कर रहा है। अब चलते हैं पांचवे पे, पांचवे रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है ये यूज कर रहा है पहला ही चैप्टर। ऑक्सीडेशन एक तरफ कर देता हूँ और रिडक्शन एक तरफ कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ। देखो ऑक्सीडेशन उसे बोलते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कब कहलाएगा, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा, दोनों में से कोई एक बात हो। यहां पे इसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी में जो है और भी आते, इसको बोलते हैं, एक और टर्म आता है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, उसको हम यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। जब ये एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब किसी एक केमिकल रिएक्शन में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिलते हैं
तो कॉपर तो हो जाता है बाहर और यहाँ पर पानी मिल जाता है। अब आप यहाँ देखो, कॉपर के पास ना ऑक्सीजन था, जब यहाँ प्रोडक्ट में आया तो ऑक्सीजन हो गया गायब, यानी ये क्या हो गया, रिमूव, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। यहाँ आप देखो हाइड्रोजन ऐड, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको तो आप बोलोगे रिडक्शन, इसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन, दोनों केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बुक में तो थोड़ा ही दिया हुआ है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता दिया, अब बाकी चलते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं ये सब चीज़ें हमारे में। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, देखो ये भी एक नंबर का, इससे पहले वाले ये जो चैप्टर है ले दे के 4 नंबर का है। तो बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। ये हमारे एवरीडे लाइफ में होती है। देखो तो कोरोजन क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल, देखो केमिकल एसिड हो सकता है, ऑन देयर सरफेस। आप सभी ने देखा होगा कि जंग लग जाता है, वो एक कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का, जंग लगना, कि जब हम लोहे वगैरह को छोड़ देते हैं ऐसे, तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है। इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, कोरोजन को ठीक करने का जो तरीका होता है, ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब जो है इससे ठीक हो जाते हैं, तो इसको एलिमिनेट करने का ही तरीका है। दूसरा कि कोरोजन से नुकसान क्या होता है, तो देखो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ब्रिज हैं, रेलवे लाइंस हैं, रेलवे के कोचेस हैं, और जहाज़ हैं जो पानी में चलते हैं, ये सब लोहे से या स्टील से बने होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये पानी में रहते हैं या मॉइस्चर में आते हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें कई लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे गैल्वनाइजेशन, ये सब थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, गैल्वनाइजेशन हो गया, और कई सारे हम लेयरिंग प्रोसेसेस होते हैं जिसकी मदद से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो दूसरा टॉपिक हमारा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है,
देखो मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊं तो जब कोई खाना काफी टाइम से रखा होता है या हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो क्या होता है कि उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल या उसका टेस्ट जब चेंज होने लगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, है ना, यानी विकृत गंधिता हिंदी में इसको बोलते हैं, और हिंदी में कोरोजन को संक्षारण कहा जाता है, यानी उसमें से गंध आने लगे, स्मेल आने लगे, हम उस खाने को खाना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी, यानी फूड रेंसिड हो गया। तो इसको अगर डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहो तो लिख लो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, लिखे ना ये, ठीक है। तो इसको तो मैंने आपको बता दिया। अब रेंसिडिटी को कम कैसे किया जाता है, ठीक है, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन इसके, प्रिवेंशन में अच्छे अच्छे प्रिवेंशन सार के लिए आ गए, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। दूसरा कि हम जो है इसको पैकेजिंग, ठीक है, या नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके, यूजिंग नाइट्रोजन गैस, देखो जो पैकेट्स आते हैं ना खाने चिप्स वगैरह के, उसमें नाइट्रोजन गैस डली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो रखा हुआ मटेरियल है वो खराब नहीं होगा। तीसरा, कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। अब आपको तो समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, एयर टाइट कंटेनर में रखो, ठीक है, उसको लाइट वगैरह से दूर रखो। तो ये सब क्या है कि प्रिवेंशन है, ठीक है। देखो जो इसमें मेन था वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम था, ठीक है। दूसरा, केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या कैसे आप बता सकते हो। तीसरा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। पांचवा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बताया क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन था लेड नाइट्रेट का, AgCl का लाइट रिएक्शन लेड नाइट्रेट था। चौथा जो है वो आपके पास ये अभी रेंसिडिटी और कोरोजन को मैंने डिस्कस किया। पांचवा ये है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ये जो चैप्टर है ये लगभग 4 से 5 नंबर का आता है, प्री बोर्ड में भी जो है इसकी वेटेज रहती है 6-7 नंबर की, पूछा जाता है, अच्छा खासा पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, और जनरली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बस जो सीखने वाली बात थी वो इसमें ज़्यादातर था आपका कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सके कहते हैं। एक बार आप थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना, वीडियोज़ को 4-5 बार जो है आप देखो। और दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर देना, और ऐसा लगता है कि जो है ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आइकन है उस पर अगर आप क्लिक कर देते हो, बेल आइकन जिसको बोलते हैं, तो अगर कोई नई वीडियोज़ अपलोड होती हैं तो आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो है इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।